तो ये है उसका एंटर निसर्ग रिसोर्ट जो कि सुकून ग्रुप वालों का है, और ये इसके जस्ट पीछे हम यहाँ पे जाएंगे तो वहाँ उस तरफ पूल एरिया है, ये प्ले ग्राउंड है बच्चों का। यहाँ से हम एंट्री करें तो ये अंदर रिसेप्शन और रेस्टोरेंट है, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड, यहाँ पर एक गार्डन एरिया है जहाँ पर बैठ के रिलैक्स हो सकते हैं। पीछे वहाँ पर कॉटेज भी बने हुए हैं, रूम भी बने हुए हैं। इस तरफ भी मैं बताऊँ आपको, पीछे रूम बने हुए हैं, यहाँ पे आके रुकते भी हैं। ये पार्किंग एरिया भी है यहाँ पर, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी यहाँ पे, ऐसा लग ही नहीं रहा है। तो ये छोटा सा रिसोर्ट लेकिन काफी अच्छा रिसोर्ट है ये। चलिए अब आपको लेके चलते हैं पूल की तरफ। निसर्ग रिसोर्ट ये जबलपुर से 22 किलोमीटर दूर बरेला रोड पर पड़ता है, पड़वार एरिया, पड़वार गांव पड़ता है। वैसे तो जबलपुर में ढेर सारे वाटर पार्क है, जैसे रामूजी वाटर पार्क है, सी वर्ल्ड वाटर पार्क है, लेकिन उन दोनों के बाद जो सबसे बड़ा वाटर पार्क कह लो, है तो बहुत छोटा, लेकिन उन दोनों के बाद जो सबसे बड़ा वाटर पार्क है वो ये है निसर्ग रिसोर्ट। जबलपुर मेन शहर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये छोटा सा पूल है यहाँ पर, और इसके बैक साइड में जो है वो वेव पूल, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये रेन डांस वगैरह के लिए है, और इसके बाद वहाँ पर कुछ छोटी मोटी स्लाइड्स भी है। यहाँ का मैं आपको रेंट बताऊँ तो निसर्ग रिसोर्ट में एंट्री फ्री है, और यदि आप पूल यूज करते हैं तो पूल का 200 रुपये पर पर्सन चार्ज लगता है, मात्र 1 से 1.5 घंटे के लिए। वहीं यदि रामूजी वाटर पार्क या सीवर्ल्ड वाटर पार्क में जाते हैं तो आप वहां पे 6-8 घंटे आराम से यूज कर सकते हैं, अपना पूरा टाइम यूज कर सकते हैं वहां पे, लेकिन अलग अलग चार्जेस हैं। रामूजी वाटर पार्क में 600 रुपये एंट्री फीस रहती है, लेकिन यहां पे एंट्री पूरी तरह से फ्री है, केवल और केवल पूल का चार्ज लगता है। आने जा रहा है रेन डांस, जो कि आप जैसे आते हैं तो आपकी डिमांड पर ही चालू किया जाता है थोड़ी देर के लिए ही। और ये देखिए ज्यादा कुछ खास नहीं है लेकिन ठीक है। पूल की साइज एक एवरेज पूल की साइज जितनी ही है। यहाँ पर बाउंसर्स भी हैं, शहर के काफी आउटसाइड है तो इस वजह से यहाँ पर बाउंसरों का होना काफी जरूरी है। इसकी छोटी सी एक स्लाइड है यहाँ पर, और पीछे आप देख सकते हैं इसके पीछे बैक एरिया जहाँ पर खेत वगैरह हैं, छोटा है लेकिन काफी प्यारा और खूबसूरत है। बड़ों के लिए ओनली एक स्लाइड और बाकी स्लाइड्स बच्चों के लिए हैं। काफी छोटी स्लाइड्स है बच्चों के लिए लेकिन ठीक है, पूरी तरह से सेफ है। एक तरफ स्विमिंग पूल है, दूसरी तरफ ये स्लाइड वाला वाटर पूल है, और ये पूरा रिसोर्ट का व्यू है। वहीं यदि इसको आप देखेंगे तो ये रिंग वाटर वेव है। यहाँ पर इस चीज की फैसिलिटी मिलती है कि आप पूल में रहते रहते और फूड ऑर्डर कर सकते हैं, और इस तरह से फूड मंगवा के आप खा सकते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी नए वीडियो में।